हे दोस्तों, तो मैं यार फेसबुक चला रहा था और फेसबुक पर मुझे ये एक इंटरेस्टिंग तारक मेहता शो से रिलेटेड पिक्चर मिली, जिसमें के शाका लाका बूम बूम के कैरेक्टर्स को तारक मेहता शो के कैरेक्टर्स के साथ कंपेयर किया गया है। बेसिकली यहाँ पर मजाक में बताया गया है कि कैसे हमारे फेवरेट कैरेक्टर शाका लाका बूम बूम के अब हमारे तारक मेहता शो के फेवरेट कैरेक्टर्स बन चुके हैं और बिल्कुल वैसे ही सेम कैरेक्टर्स हैं और इन कैरेक्टर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में मिलती जुलती हैं, मुझे ऐसा लगा। और इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ, इन्हीं सब के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे हमारे शाका लाका बूम बूम के जो फेवरेट कैरेक्टर्स थे वो अब तारक मेहता शो के फेवरेट कैरेक्टर्स बन चुके हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कि कैसे वो वाले फेवरेट कैरेक्टर अब हमारे दूसरे वाले फेवरेट कैरेक्टर्स के रूप में हम तारक मेहता शो में देखते हैं। तो अगर आप बचपन में शाका लाका बूम बूम देखते होंगे तो आपको ये वीडियो डेफिनेटली समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर आपने बचपन में शाका लाका बूम बूम नहीं देखा तो शायद हो सकता है कि आप इस वीडियो से रिलेट ना कर पाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप 90s के किड्स हैं तो आपने बचपन में डेफिनेटली शाका लाका बूम बूम तो देखा ही होगा, और हर बच्चे का क्या सपना होता था कि वो संजू की तरह बने और संजू की तरह उसके पास मैजिक पेंसिल हो जिससे कि वो जो भी बनाए वो सच हो जाए। तो गाइस यहाँ पर संजू बना है जेठालाल। जी हाँ दोस्तों, अब संजू की जगह ले ली है जेठालाल ने, क्योंकि संजू जो था वो हर मुसीबत से लड़ता था और हर मुसीबत से जूझता था और उसका सॉल्यूशन निकालता था, और ठीक वैसे ही यहाँ पर जेठालाल है जो कि अब एक हीरो के रूप में सामने आता है जैसे कि बचपन में संजू था। तो बेसिकली यहाँ पर संजू का कैरेक्टर जेठालाल बन चुका है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है वो है रितु का कैरेक्टर, जो कि बहुत ही ब्रेव थी, जस्ट लाइक दया भाभी। जी हाँ दोस्तों, दया भाभी अब काफ़ी ब्रेव कैरेक्टर है, और उसी तरह उस टाइम पर बचपन में रितु का कैरेक्टर काफ़ी ब्रेव हुआ करता था, इसलिए आई थिंक इस मीम में भी रितु के कैरेक्टर को दया के कैरेक्टर के साथ कंपेयर किया गया। इसके बाद दोस्तों था संजना का कैरेक्टर। संजना का कैरेक्टर आई थिंक मुझे ज़्यादा याद नहीं है कि किस तरह का था, लेकिन यहाँ पर वो माधवी भाभी के साथ कंपेयर किया गया है, तो फेयर इनफ है ये तो। इसके बाद दोस्तों है टीटू। अब टीटू क्योंकि सरदार था तो यहाँ पर टीटू के कैरेक्टर को सोडी के साथ कंपेयर किया गया है, हालांकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है जैसे कि टीटू को कभी कभार गुस्सा आता था, वैसे ही सोडी को भी गुस्सा आता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा कैरेक्टर है पड़ाकू वाला कैरेक्टर, पार्थो पड़ाकू आई थिंक उसका यही नाम था, और इसको कंपेयर किया गया है भिड़े से, जो कि बहुत ही सही है क्योंकि वो हमेशा पढ़ता रहता था और भिड़े भी एक तरह का टीचर है तो वो पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देता है, तो बिल्कुल सही कंपेयर किया गया है। तो इसके बाद दोस्तों है करुणा। तो गाइस शाका लाका बूम बूम में करुणा का कैरेक्टर बच्चों के द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता था, और संजू के साथ करुणा की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी, तो इसीलिए यहाँ पर करुणा का कैरेक्टर बबीता जी के साथ कंपेयर किया गया है, जो कि काफ़ी सही है और मैं इससे एग्री करता हूँ काफ़ी हद तक। तो दोस्तों अब इसके बाद है डरपोक है मिस्टर जग्गू। तो यहाँ पर जग्गू है जो कि रितु का भाई है, जो कि हर बात बात पर डरता था, तो यहाँ पर जग्गू को पोपट लाल से कंपेयर किया गया है, हालांकि पोपट लाल वैसे तो नहीं डरता, लेकिन जो अभी डरावनी दुल्हन वाली स्टोरी चल रही है उसमें तो पोपट लाल बहुत डरता है, तो इस स्टोरी को देखकर तो हम जग्गू को पोपट लाल से कंपेयर कर सकते हैं हम। और दोस्तों इसके सबसे लास्ट में है चंदू। जी हाँ दोस्तों, संजू का दुश्मन चंदू। तो अब यहाँ पर चंदू को कंपेयर किया गया है डॉक्टर हाथी से, और आई थिंक दोनों में इतना मेलजोल नहीं है, लेकिन हाँ एक मेलजोल है कि चंदू बहुत खाना खाता था और वो थोड़ा हैवी वेट में दिखाया गया था, वो ज़्यादा खाना खाता है, वो थोड़ा हैवी वेट है बाकी बच्चों के कंपेयर में, और यहाँ पर डॉक्टर हाथी के साथ कंपेयर किया गया है, जो कि काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन चंदू का कैरेक्टर काफ़ी नेगेटिव था और डॉक्टर हाथी का काफ़ी पॉजिटिव था, हालांकि तारक मेहता शो में सभी कैरेक्टर्स ही पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि ये एक अच्छा कंपेयर है। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी ने मीम बनाया है और काफ़ी अच्छे से कंपेयर किया है जो हमारे शाका लाका बूम बूम के फेवरेट कैरेक्टर्स थे और जो हमारे तारक मेहता शो के फेवरेट कैरेक्टर्स हैं। तो दोस्तों आप इस कंपैरिजन से कितना एग्री या डिसएग्री करते हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले। अभी तक भी आपने बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे ही सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ है बेल आइकन, दोनों को जरूर प्रेस कर दे ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाएँ। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।